स्पेशल क्लास में वेलकम। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 जो कि 8th क्लास बेस है, एक्सपोनेंट पावर बेस है। सबसे पहले हम लोग इसके कुछ रूल्स हैं, स्टार्टिंग में हम लोग इसके रूल्स करेंगे। फर्स्ट रूल है, अगर हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस। क्लियर? बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या होती हैं? प्लस। अगर बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या हो जाती है? माइनस। किसी भी चीज की पावर अगर जीरो तो वो क्या होता है? वन। अगर पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। बेस भी सेम, पावर सेम है तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ए रेज टू पावर एम की पावर क्या है? एल। तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। ये 6 रूल्स हैं जिसके बेस पर ये सारी एक्सरसाइज है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड 81 रेज टू पावर 1/2। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 पर गया है, 9 कितने नाइन्स है? 2 टाइम्स है ना, तो 9 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। 9 रेज टू पावर 1 तो आंसर क्या आ गया हमारा? ओनली 2। क्लियर? सेकंड पार्ट है 32 रेज टू पावर 1/5। 32 किस पर जा रहा है? 2 पर। कितने टाइम्स है 2? 5 टाइम्स। हाँ जी, यूज कौन सा
का रूल यूज हो रहा है, ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, तो बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस 2/3 + 1/5. एलसीएम लो, 5 × 10, 3 × 1 = 3, तो क्या आ गया हमारे पास 2 raised to power 13/15. सेकेंड पार्ट है 1/3 raised to power 3 whole raised to power 7. तो कौन सा रूल यूज होगा यहाँ पे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई, 3 × 7, 1/3 raised to power 20. थर्ड पार्ट है 11 raised to power 1/2, 11 raised to power 1/4. तो कौन सा रूल यूज हो रहा है, डिवाइड, एग्जाम्स के क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर हेल्प मिल सकेगी। थैंक यू सो मच।